आज सुबह 5:12 बजे सालार का टीजर आया और 5:12 बजे से क्या KGF का कुछ लिंक है। तो BNFTV के बादल ने बोला कि KGF 2 के एंड सीन में ये शिप में एक घड़ी में 5:12 बजे थे, तो क्या इससे कुछ लिंक हो रहा है? खैर मुझे नहीं लगता, बट हाँ ये KGF 2 के बाद की स्टोरी है। लेकिन 5:12 बजे रिलीज होने के बाद भी इस टीजर को 2,00,000 लोग देख रहे थे। अब ये पहले ही कन्फर्म हो चुका है कि KGF और सालार सेम यूनिवर्स में टेक प्लेस कर रहे हैं और इनका सिनेमेटोग्राफी और कलर ग्रेडिंग भी सेम है। इवन इसके डायरेक्टर प्रशांत नील, एक्शन कोरियोग्राफर, इवन पूरा KGF 2 का एक टीम सीधा उठ के आ गया है सालार बनाने। और सालार 4 अलग लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है, लेकिन एक ही टीजर आया क्योंकि इस टीजर में सिंपल इंग्लिश यूज किया गया है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस को समझ में आ जाए कि क्या कहना चाहते हैं। इससे टीजर का डबिंग का खर्चा भी बच गया और जो काम निकालना था वो भी हो गया। और टीजर में साफ साफ बोला जाता है अफ्रीकन्स को कि शेर, चीता, एलिफेंट ये सारे होंगे डेंजरस, बट जुरासिक पार्क में नहीं। मतलब KGF में यश थे मॉन्स्टर और प्रभास एस सालार है डायनासोर। ये डायलॉग क्लीशे लग सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग I felt goosebumps। वैसे ये टीजर था 1:47 का, जिसे कुछ क्लियर तो नहीं होता, लेकिन आज इस टीजर के सीन्स को देख के काफी लोगों को KGF का कलर टोन याद आने वाला है। लेकिन उसी के साथ KGF में मशीन गन्स उतने ज्यादा यूज्ड नहीं होते थे, अनलेस रॉकी ने ट्रेड करके कलाश्निकोव लाया। लेकिन इस टीजर में सालार इवन उसके एनिमीज भी सारे न्यू मशीन गन से लोडेड है। मतलब ये तो KGF के टाइमलाइन से बहुत आगे की स्टोरी है, लेकिन इसमें यश रॉकी को लेके कहीं ना कहीं पे तो टीज तो होगा ही। और टीजर में आगे इसका मेन विलन पृथ्वीराज सुकुमारन दिखते हैं, जो डेंजरस होने के साथ ही एग्जैक्टली KGF 1 के विलेन जैसे ही लग रहे हैं। अब टीजर में श्रुति हसन का भी नाम मेंशन है, तो शायद सालार की लव इंटरेस्ट वही होने वाली है। और ये मूवी भी 2 या 3 पार्ट में आने वाली है, क्योंकि इस पार्ट का नाम है सीजफायर। मतलब शायद मूवी ऐसे मोड़ पे एंड होगी जहाँ पे कोई वार को कुछ देर के लिए रोका जाएगा, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में सीजफायर। और इसके सेकंड पार्ट आने के बाद ही KGF का थर्ड पार्ट आने वाला है। अब KGF के थर्ड पार्ट में यश एस रॉकी भी रिटर्न कर सकते हैं, या फिर सालार अगला रॉकी बन जाए, क्योंकि गुप्त सूत्रों का मानना है KGF 2 में जो ये बंदा मर गया था ये इसमें मरा नहीं, और यही बाद में जाके प्रभास के रूप में सालार बनने वाला है। और अब शायद प्रभास की किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि पिछले 6 सालों में उनकी मूवी शाओ से लेकर आदि पुरुष तक बॉक्स ऑफिस में एक भी धमाका नहीं कर पाई। लेकिन बाहुबली के बाद 6 साल गुजर गए और अब जाके कुछ ऐसा दिखने वाला है जिससे ऑडियंस फिर से अपने रेबल स्टार प्रभास को देख पाएगी स्क्रीन पे। और आदि पुरुष जहाँ पे 600 करोड़ में बनी थी, वहीं पे सालार 200 करोड़ की है। और इसकी टीजर को देखने 5:12 बजे 2,00,000 लोग आ गए थे, तो ये मूवी आराम से 700-800 करोड़ कमाने वाली है। और अगर इस मूवी को भी ऑडियंस ने KGF जैसा ही प्यार दिया तो शायद प्रशांत नील आगे भी नहीं रुकने वाले और इस फ्रेंचाइजी को और भी बड़े करने वाले हैं। और इस यूनिवर्स का फंडा पूरा क्लियर है कि हमारा मास मसाला हीरो आएगा और सबको तोड़ के रख देगा, चाहे वो स्ट्रेंथ से हो या फिर मेंटालिटी से। और मूवी का टोन देख के तो लग रहा है ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ करे या ना करे, लेकिन इसकी डायलॉग्स डिलीवरी बहुत ही तगड़ी होने वाली है। जबकि एक ही डायलॉग ने हम सबको गूज़बम्प दे दिया, तो मुझे लग रहा है ऐसे भी और बहुत सारे डायलॉग्स मूवी में होने वाले हैं। वैसे टीजर देख के स्टोरी के बारे में कुछ अंदाजा लगता तो नहीं, लेकिन ये मूवी भी कुछ स्मगलिंग से रिलेटेड ही होने वाली है। और 2-5 मिनट के कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के बाद KGF के जैसे ही सीधा एक्शन में घुसने वाली है मूवी, क्योंकि आज भी ऑडियंस को मास मसाला एक्शन मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और साउथ इंडस्ट्री की ये बड़ी बात है कि चाहे वो मॉक हो रहे हो, लेकिन उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पूरे इंडस्ट्री को ही मास मसाला बनाने में मजबूर कर दिया। और ऑडियंस भी अब इसे अच्छे तरीके से अपना ले रही है। और 28 सितंबर ये मूवी आ जाएगा, तो उससे पहले एक ट्रेलर तो आने वाला है और वहाँ पे शायद स्टोरी एंड KGF से रिलेशन और भी क्लियर हो जाएगा। तो तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब बटन होगा, एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच्ड शो डिफाइन।